मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब मुझे जलाने के लिए किया है। पारो का प्यार तो तुम्हें मिल ही गया, अब पूजा से घायल होते जाओ। अरे, किसने मारा? पूजा ने सर। पता नहीं ये लड़की हर वक्त मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है। I'm sorry sir, मेरे भी समझ में नहीं आता कि बार बार घायल होने के लिए आप मेरे सामने क्यों आते हैं। सर, ये इत्तफाक नहीं, आपके खिलाफ जानबूझकर की गई साजिश है। ठीक है, तो इस साजिश का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पूजा, कल तुम्हारे डैडी को डैडी नहीं तो फाइन सर। हाँ यस, इस गलती के लिए तुम्हें 2000 रुपए फाइन। What? लेकिन पूजा, तू फाइन के पैसे लाएगी कहाँ से? वही तो मैं सोच रही हूँ। डैडी के इस महीने के मनी ऑर्डर के पैसे भी खत्म हो गए, और अगर पैसे मंगवाने हैं तो कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। पूजा का टेलीग्राफ। हॉस्टल की फीस बढ़ गई है, मेस की फीस बढ़ गई है, एग्जामिनेशन की फीस बढ़ गई है। समझ में नहीं आता एक ऐसा कॉलेज है। एक तो साला इस कसीनो ने नाक में दम कर दिया है, ऊपर से इन कॉलेज वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझको बॉम्बे खुद जाना पड़ेगा। क्या बात है झांसी की रानी, इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रही हो तुम? मैं मनी ऑर्डर के लिए पोस्टमैन के बारे में सोच रही थी। पता नहीं एक हफ्ता हो गया, डैडी ने पैसे क्यों नहीं भेजे? पता चल गया होगा उन्हें तुम्हारी करतूतों के बारे में। अब तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध ही लो और झुमरी तलैया जाने की तैयारी करो, क्योंकि कॉलेज से तुम्हारा पत्ता कटाई समझो। जी नहीं विजय, कॉलेज से पत्ता तो क्या, अगर कोई मेरा गला भी काट दे तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और रही बात उस फाइन की, तो देखना कल सुबह मैं उस प्रोफेसर को क्या पट्टी पढ़ाती हूँ। कहाँ है वो प्रोफेसर? ये पागल फिर आ गया। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मुझे लगता है आज पागल बहुत गुस्से में है। उस दिन गुस्से में इसने अपनी बेटी को चांटा मार दिया था, आज कहीं ये मेरे को चाकू न मार दे। जवाब क्यों नहीं देते? मेरी फूल जैसी बेटी को फूलन देवी समझकर हमेशा डांटते रहते हो। आपकी बेटी की शरारत है। शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसे बुड्ढे करेंगे? और इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे शरारत करें तो बड़े उन पर फाइन कर दे है? और फाइन भी कितना? सिर्फ 2000 रुपया? तुम फाइन मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? अरे फाइन ही करना है तो 1,00,000 रुपया करो, 2,00,000 रुपया करो। डैडी मर गया तेरा डैडी। और हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब भी मेरा कोई हाथ पकड़ता है तो लगता है हाथ छुड़ा के। शांति प्रसाद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं होगा शांत, नहीं होगा शांत। ये शांति प्रसाद शांत नहीं हो सकता। सांड को लाल कपड़ा दिखाते हो और कहते हो शांत हो जा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? संतरा है। मुझे मालूम है कॉलेज में पढ़ाने आते हो या संतरा खाने आते हो तुम? ओ, घर में खाना नहीं मिलता क्या? ओ समझा, ये बच्चों से 2000 रुपए इसलिए मांगते हो ताकि ये संतरे खाते रहो। माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। आज के बाद आपकी बेटी को डांटने तो दूर, मैं इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। देखेगा भी नहीं। एक डैडी, क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा मेरी बेटी को? क्यों नहीं देखेगा? क्या मेरी बेटी मनहूस है, बदसूरत है, चुड़ैल लगती है? क्यों नहीं देखेगा? अरे तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान देखेगा, और एक बार नहीं 1000 बार देखेगा, और इन उल्लू जैसी आंखों से देखेगा। बोल, बोल देखेगा कि नहीं? अरे आपने मुझे देखने के लायक कहाँ रखा? पूजा, प्लीज टेक अवे दिस ओल्ड क्रेजी मैन। अरे अरे, मैं तुम्हारा फाइन तो क्या, पूरे साल की फीस भर दूंगा। मुझे इससे बचाओ, इस ओल्ड क्रेजी मैन से बचाओ मुझे। अभी तो संतरा छिड़का है, अगली बार तेजाब छिड़क दूंगा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत बुरी। तुम्हारा बाप बन बन के तंग आ गया हूँ मैं। डैडी, डैडी सुनिए। सुनाइए। मैंने कहीं आपको देखा है। सपने में देखा होगा, मैं अक्सर सपनों में आता हूँ। नहीं नहीं, आपका कोई जुड़वा भाई या? जी नहीं, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है जो हमारा हम शकल हो और कुंभ के मेले में खो गया हो। बल्कि मेरे बाप ने इस डर से कि मेरे जैसा दूसरा नमूना ना पैदा हो जाए खुदकुशी कर ली थी। तो फिर आपकी शक्ल मेरे ड्राइवर से क्यों मिलती जुलती है? क्या
मेरी शक्ल तुम्हें ड्राइवर जैसी लगती है? आई मीन अपने ड्राइवर के साथ कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांति प्रसाद। शांति प्रसाद मर गए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? नो जजमेंट, मेरा मतलब है कि ऐसे शांत सीधे साधे चेहरे पर ऐसा ही सीधा साधा शांत नाम होगा, शांति प्रसाद, समझे? शांति देवी के शांति प्रसाद, शांति प्रसाद। अब शांति देवी का प्रसाद तुझे शांति नहीं जूतों का प्रसाद खिलाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरी दाढ़ी में लगा चोर मुसाफिर जाग उठा। अभी लगाया था, अभी लगाया था। उल्लू का पट्टा, तक मीना मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा ड्राइवर कहीं का। क्यों, मरने के लिए आपको मेरी गाड़ी मिली थी? हैं? भगवान ने ये जो दो बटन जैसे आंखें दी है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? बार बार आके मेरे गाड़ी से टकराती हो। अरे तुमसे टकराने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने। वैसे ये बोरिया बिस्तर लेकर झुमरी तलैया जा रहे हो? नहीं, तुमसे इतनी दूर जा रहा हूँ, चाहना तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी और ना ही तुम्हारी पक पक मेरे कानों में सुनाई देगी। एक हफ्ते के लिए अपने अंकल के वहाँ जा रहा हूँ। बाय। नो नो नो, गॉड ब्लेस यू, बाय पारो। हेलो अंकल। ओ विजय, ओ व्हाट अ सरप्राइज अंकल। बहुत दिनों के बाद हॉस्टल से आए हो, लगता है अंकल को भूल गए। अरे नहीं अंकल, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? बचपन से अनाथ हूं। अगर आपने बचपन में मेरा हाथ न थामा होता तो न जाने आज इस दुनिया में मैं कहां कहां ठोकरे खाता फिरता। खैर अंकल, इस बार मैं आपके साथ पूरे एक हफ्ते रहने वाला हूं। हाँ, और अंकल मेरा वो एक्सरसाइज का सामान, उसे तो आपने संभाल के रखा होगा ना? हाँ रखा है ना, घर को कलर करवाते समय तुम्हारा वो सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। थैंक्स अंकल, वहां जाकर देख लो। ओके, मैं अभी आया। विजय, एक्सरसाइज का सामान मिल गया। आप जिस चीज को संभाल के रखेंगे वो कभी गायब नहीं हो सकती अंकल। मैंने तो सुना था कि इंसान सच और झूठ को अपने अंदर छुपा के रखता है, लेकिन आपने तो सच्चाई को स्टोर रूम में छुपा के रखा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं, ये अखबार कह रहा है। आखिर क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों डर गए थे आप? आपने मेरे परिवार के कत्ल को महज एक एक्सीडेंट बना दिया। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? ऐसा क्यों किया आपने अंकल? आप तो मेरे पिताजी के दोस्त थे। मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त था, इसलिए तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता था। और फिर मैंने तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी ली थी, मुजरिम बनाने की नहीं। और वैसे भी बाबू को 14 साल की सजा हो चुकी है। सिर्फ 14 साल? मेरी परिवार की जान की कीमत सिर्फ 14 साल? नहीं अंकल, अब ना तो जिंदगी बाबू को बचा सकती है और ना ही मौत मुझे रोक सकती है। मैं अपने परिवार की रक्षा तो न कर सका, लेकिन उनके कातिलों के लिए मौत का शस्त्र बनकर दिखाऊंगा।